ये रायका कम्युनिटी है, ओरिजिनली अफगानिस्तान से थे। ये कैमल एक्सपर्ट है और ये लोग एनिमल ब्रीडर है, सेमी नोमैडिक है। ये पगड़ी तो हमारे परंपरा से भगवान दिया हुआ है। हमारे सोना बक्सिया, हमारे ऊंट बक्सियों, ये आजादी हुई है इसके लिए। किधर भी आप रहते हैं, किधर भी बैठते हैं, कैसा जो सराते हैं उसका दूध निकालते हैं, जंगल पे लेके जाते हैं, उसका अच्छा सराना पड़ता है, अच्छा रखना पड़ता है, तीन टाइम पानी पिलाना पड़ता है। कैमल मिल्क इंडिया में काफ़ी फेमस अब होना शुरू हुआ है, लेकिन पहले नहीं था। रायका कम्युनिटी खुद से यूज़ करते थे, क्योंकि अब ये जब लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन जा रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, ऊँटनी के दूध पे ही रहते थे। तो ऊँटनी के दूध में जितने भी खाने की पूर्ति है, प्रोटीन है और है, सब कुछ इनको मिल रहा था। दूध निकालने के बाद में फिर चाय वगैरह बनाते हैं, चार पांच लोग बैठते हैं, ऊँटनी के बारे में बात करते हैं, दूध के बारे में बात करते हैं। हमारे दादे भी वही काम करते थे ऊँटों का, ये हमारा कल्चर है, पशुओं के साथ में हमारा प्रेम है। पिछले 30 साल से मैं खासकर रायका कम्युनिटी उनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ, केवल कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं और साथ साथ में इनकम जनरेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। लोग इनके साथ में देखना चाहते हैं, इनका कल्चर देखना चाहते हैं। टूरिस्ट ये चाहता है कि मैं 5 दिन इनके साथ में स्पेंड करूं, उनके साथ में ऊँट चराने जाऊं, ऊँट की भाषा समझूं। गोबर है, उससे हम लोग पेपर बना रहे हैं। कैमल वूल जो है, वूल हम लोग खरीद के वूल से कारपेट है और स्टॉल्स हैं। कैमल मिल्क से कैमल चीज शुरू की। ऊँट तो खत्म है तो हमारी जिंदगी भी खत्म है, मवेशी पशुधन।